वोट जाया ना करे, किसी और जमात में वोट जाया ना करे, एक बार तीर के साथ दे। मैं एक मौका मांग रहा हूं आपसे, आप अगर मुझे बलूचिस्तान में वैसे अक्सरियत दिलवाई जैसे मेरे जैसे सिंध में मेरे पास अक्सरियत था, तो इंशाल्लाह ताला जैसे हमने थरपाकर में इनकलाब लेकर आए, वैसे जहां चाह बलोचिस्तान के मादियात है हम वहां इनकलाब लेकर आएंगे। इस्लामाबाद के लिए इनकलाब नहीं, मुकामी लोगों के लिए, बलोचिस्तान के लिए इनकलाब लेकर आएंगे। अगर पूरा बलोचिस्तान मेरे साथ देता है, तीर को मुंतखिब करवाता है, तो फिर गरीब दोस्त हुकूमत होगा, अवाम दोस्त हुकूमत होगा, किसान मजदूर दोस्त हुकूमत होगा। हम तमाम इस्लाम में, जैसे मैंने मुफ्त इलाज को हॉस्पिटल सिंध का हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया है, इंशाल्लाह ताला अगर बलूचिस्तान हमें एक ही मौका देता है, तो 5 साल के अंदर ही अंदर मैं बलूचिस्तान के सेहत के निजाम ऐसे तब्दील करूंगा कि कराची और सखर जाने के बजाय आपको यहां नसीराबाद में वो सहूलत मिलेगा, बलूचिस्तान के अवान अपना क्वेटा जा सकेंगे अपना इलाज करने के लिए, कोई और जगह क्यों जाना पड़े। अगर आप तीर को जितवाते हो, तो इंशाल्लाह मैं ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को मुकम्मल करके आपके मसाइल हल करूंगा। आपके नून लीग वाले को जानते हो, पहचानते हो, आपको मालूम है कि उनका हुकूमत बना तो हमारा काम ईरान के साथ तो नहीं चलेगा, हमारा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को वो एक बार फिर सैबोटाज करेंगे। मैं आपका वजीर खाजा रहा हूं, मैं खुद ईरान गया था, इराक किया था, इंशाल्लाह ताला आपका हुकूमत बनेगा तो उस तरफ जो है आपका कारोबार, आपका मईशत, आपके मसले मैं हल करूंगा। इंशाल्लाह ताला जो मसले अफगानिस्तान के साथ चल रहे हैं वो भी हम मिलके क्यों नहीं इंशाल्लाह ताला हम मिलके उन मसले के हल भी निकालेंगे, ताकि यहां के अवाम और वहां के अवाम का मईशत चल सके, उनका कारोबार चल सके, उनका तरक्की हो सके। और जी हां, अगर मुझे आपने मौका दिया तो भारत और पाकिस्तान के साथ बहुत से मसले हैं, दहशतगर्दी का मसला है, कश्मीर का मसला है, मगर अगर नियत साफ हो तो हर मसला का हल भी निकल सकता है। मेरा यह आपसे वादा है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएं, इंशाल्लाह ताला मैं भारत को भी मनाऊंगा।